जनपद के मुढ़ापाड़े थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बीरपुर वारियार के किसान शरीफ का 10 वर्षीय पुत्र हमीद दोपहर के समय दोस्तों के साथ भैंस चराने गया था। साथ में नहा रहे बच्चों ने बताया कि हमीद गहरे पानी में चला गया और डूब गया। बच्चों ने शोर मचाया तो खेतों में काम कर रहे किसान नदी की तरफ दौड़ पड़े। हमीद के नदी में डूबने का समाचार मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय गोताखोर की मदद से लगभग 4 घंटे की तलाश के बाद चंदनपुर ईसापुर के पास से शव बरामद हुआ है। मृतक 5 बच्चों में चौथी संतान था। मृतक के पिता सड़क दुर्घटना में चोट से ग्रस्त हैं, जिनका उपचार चल रहा है, और बड़ा भाई डेंगू बुखार की चपेट में आ चुका है, जिसका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। ग्रामवासियों ने बताया कि पीड़ित पिता की आर्थिक स्थिति संवेदनशील है, रहने के लिए पर्याप्त घर नहीं है, और नहर के पानी में डूबकर बेटी की मृत्यु हो जाने से क्षेत्र और परिवार में गम का माहौल बना हुआ है। आर्थिक तंगी को देखते हुए सरकार को मृतक परिवार को मुआवजे के रूप में सहायता मदद करनी चाहिए। विशाल कुमार की रिपोर्ट। गांव में कितनी घटना हो चुकी है डूबने की अब तक? हमारे गांव में तो कम से कम तो एक आध साल में हो ही जाती है, कोई ना कोई डूब जाओ। ऐसी क्या वजह, लापरवाही है, क्या है मतलब? लापरवाही तो यही है कि राम गंगा नदी में से ये नहर टूटी हुई लंबी, अब वो नहर राम गंगा के बराबर ही चल रही है घर के अंदर। अब ऐसे ही अब क्या करें, अब कोई हम भाई हाथ का वस्तु है नहीं, तो ये है कि और सबसे मेन काम ये है कि गांव के बराबर से ये स्कूल है, ये 12वीं का 10वीं के इसके बराबर में डेयरी आई है, पूरा गांव डूबा है। मगर कोई एक से एक बुराई नहीं लेना चाहता और कोई कहना नहीं चाहता, अधिकारी कोई यहाँ को आती नहीं, MP MLA आम हैं, वायदा करे हैं और वो लौटती नहीं फिर। अच्छा, जैसे अब इलेक्शन आ रहा है, ये इसमें आप अगर अधिकारी आते हैं और या राजनेता आते हैं तो इसमें वोटिंग करेंगे आप नहीं करेंगे? आप वोटिंग तो खूब करते हैं, और कहाँ डालेंगे वोट डाली, हम थोड़ी डालेंगे उनसे, कोई शिकायत नहीं करेंगे आप? शिकायत तो करते हैं बड़े बड़े, अरे जो आदमियों के बड़े बड़े काम है वही अपने कहते हैं सर ये कर देंगे यार, चलो कोई बात ना है, छोटे भी कोई संत नहीं। क्या नाम आपका? मोहम्मद अरमान। अच्छा, क्या नाम लगा? ये असल में बच्चा जानवर ले गया चराने के लिए, लमसम 2 बजे की घटना है। बच्चे आपस में नहा रहे थे, अचानक इसका पैर फिसला और ये पानी में डूब गया। गांव में किसी आदमी ने फोन करा, यहां से पता चलने पर 2 जगह अलार्म्स करा के सब लोग चले गए नदी पे जाकर। गांव के सभी लोगों ने मेहनत करी लमसम 4-5 घंटे, तब जाके इसको ढूंढ पाए। ये घटना ग्राम बीरपुर बरियार उपखरक जिला मुरादाबाद थाना मुंडा पांडे। अच्छा, पुलिस को सूचना दी थी? जी, पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आ चुकी। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम तोहित था। कितनी उम्र होगी लगभग? लमसम 10 साल।